वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ, किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो संस्कृत। हम बात करेंगे यहाँ पे जो आखिर संस्कृत में हम क्या सब पढ़ेंगे, तो हमको जो है 100 में जो है 95 आएगा या फिर 100 में 100 आएगा, ठीक है। सीधा सीधा बताएंगे, आप लोगों के दिमाग में घुसाएंगे, ठीक है। और आप लोग एकदम क्लास में जो है बने रहिए, क्योंकि हम जब जानेंगे जो क्या सब पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन कितना पूछता है, तब ना वहां पर लिख के आइएगा, ठीक है। इधर बॉल भी भुक-भुक कर रहा है, उसमें नहीं जाएगा। देखिए, संस्कृत में जो है आखिर सबसे पहला जो बच्चा के दिमाग में सवाल आता है, जो आखिर ये जो है व्याकरण में क्या सब पूछता है, सबसे बड़ा सस्पेशन है व्याकरण में क्या सब पूछता है। तो पहले हम आपको बात कर लेते हैं व्याकरण में क्या पूछता है, और उसके बाद बात कर लेते हैं किताब में से, यानी कि आपका जो दो गो बुक देले है संस्कृत वाला, वो काहे देले है, वो पढ़े हैं तो उसमें से क्वेश्चन मार तो पूछेगा, तो पूछेगा तो उसी पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम इधर बात कर लेते हैं, इधर बात करेंगे अगर संस्कृत व्याकरण में तो कितना नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम में। भैया मेरे, तो बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है वहां पे आपका 45 से 50 नंबर के अंदर ही पूछता है। कितना कितना है? 45 से 50 नंबर के अंदर ही पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आखिर हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो नंबर जो है पूरा पूरा आएगा। तो देखिए लेते हैं, व्याकरण की बात करेंगे पहले। देखिए, व्याकरण में आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा वर्ण, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वचन, वचन के बाद पढ़ना होगा आपका लिंग, लिंग के बाद पढ़ना होगा संधि, संधि के बाद पढ़ना होगा समास, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय और लकार, कारक, अंतिम है कारक हम लिखे हैं। आप लोग जो है कहीं से कोई टॉपिक उठा के और बारी बारी से जो है पढ़िए, ठीक है। और या फिर आपको किसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा, या अपने जो आप जो कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं वहां से जो है आप जो है सर जी को बोल सकते हैं, वो पढ़ा देंगे, तो आप जो है बढ़िया से समझ आएगा, तो वहां पे जो है नंबर आने की संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो लगभग में आपका 50% क्लियर हो जाता है, ठीक है। कितना? 50% क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे संस्कृत किताब पे, किस पे बात करेंगे, किताब पे बात करेंगे। तो किताब में देखिए ना, कथी से पूछता है आपका, दो बुक किताब होगा, पहले का क्या नाम होगा, प्यूसम भाग टू, क्या नाम है, प्यूसम भाग टू, और इसका नाम है द्रुत पढ़ाई भाग टू। दो बुक किताब होगा आपका, अब प्यूसम भाग टू और द्रुत पढ़ाई भाग टू। अब बात करेंगे ना ये दूसर का किताब का, यहां से नहीं पूछता है, कहियो कहियो कोनो साल जो है पूछ देता है, दो नंबर तीन नंबर का तो बहुत है, लेकिन ज्यादातर जो है नहीं ये पूछता है, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको हमारे हिसाब से जो है आप लोग उल्टाई में नहीं कीजिए, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जवन पूछेगा एग्जाम में तवने ना हम याद करके जाएंगे, और जवन पूछेगा तवन याद करके जाएंगे तो वहां लिख के लाएंगे। तो देखिए, ये किताब जो बच जाता है एक का किताब, यानी कि एगो किताब आपका बच गया प्यूसम भाग टू, यहां से जो क्वेश्चन पूछता है बौवा मेरे, वो पूछता है 16 से 20 नंबर के अंदर ही पूछेगा। बेसी दिमाग इस पे दौड़ाइएगा, क्वेश्चन आंसर कितने 16 से 20 नंबर का, ठीक है। 8 को क्वेश्चन देगा, दो दो नंबर का रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां पर 16 देगा तो कहेगा निम्नलिखित में से कोई 8 का आंसर दे, ठीक है, तो वहां पे लिखा रहता है, आप लोग समझ आएगा, ठीक है। तो यहां से जो है प्यूसम भाग टू से कितने नंबर, 16 नंबर या फिर 16 से 20 नंबर के अंदर आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, आता ही है, ठीक है, इतना तो हम कंफर्म है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इधर आपका हो गया 50 और 20 70, तो 30 नंबर बचल ना, 30 नंबर तो बचा, तो तीसरे नंबर पे अभी बात करेंगे। देखिए क्या सब है 30 नंबर में, 30 नंबर में जो है इधर हम बात कर लेते हैं आगे, तो पत्र लेखन आपका पूछता है, पत्र लेखन 4 नंबर के देगा, यानी कि 4-4 नंबर के दो गो देगा, कितना 4-4 नंबर के दो गो, यानी कि 4-5 गो लाइन से देगा, कहेगा निम्नलिखित में से दो गो के उत्तर दे, यानी कि दो गो अपना भाषा में कुछ पूछे जैसे लिखे, लेकिन 4 नंबर का एक गो रहता है, आपको दो गो का आंसर देना रहेगा, यानी कि दो गो पत्र लेखन आपको करना होगा, तो 4×8, ठीक है, कंप्लीट हुआ ना, यानी कि पत्र लेखन कितना नंबर, 8 नंबर,
और उसके बाद जो है ये अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद बोलेंगे। अनुच्छेद जो है 7 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का, 7 नंबर, ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद आ जाते हैं अनुवाद, तो अनुवाद भी जो है 6 नंबर, 6 से 7 नंबर के अंदर में जो है आपका अनुवाद पूछता है, या 6 पूछे या फिर 7 पूछे, लेकिन 5 नहीं पूछेगा, 6-7 के अंदर में ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि 6 पूछेगा या फिर 7 पूछेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद गद्यांश है, तो गद्यांश जो है आपका 10 से 12 नंबर, ठीक है, गद्यांश पूरा लिखा रहता है, उसको पढ़िए और नीचे में क्वेश्चन दे देगा वहां से, उसके बाद उसका जो है आंसर आप लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है, कहिएगा तो आप लोग का कमेंट आएगा तो हम बढ़िया से समझा देंगे उसको, जो कैसे गद्यांश बनाया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अच्छा एक बात और, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एग्जाम में बिना पढ़ ले पास होना चाहता है, बात समझ ना, जैसे मान लीजिए जो कोई कहीं घूम रहा है, लाइकवाइज घूम रहा है, वो चाहता है जो हम संस्कृत में जो है 50 नंबर ले आए, तो वो भी एकदम आसान है। वो आसान ऐसे है जो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ज्यादातर कहाँ से पूछता है, व्याकरण से पूछता है, व्याकरण से पूछता है, तो जाके जो है ऑब्जेक्टिव रटी कोनो गाइड ले आइए, जाप के जो है ऑब्जेक्टिव जो है बढ़िया से जो है रट लीजिए व्याकरण वाला, और जो है इधर प्यूषम भाग को वाला जो है ना, यानी कि प्यूषम भाग को जो भी बुक है, ठीक है, जो भी मतलब यानी कि कहने का मतलब जो भी मॉडल सेट है आपके पास, ठीक है, यानी कि गाइड है, जो भी गाइड है उससे आप जो है याद करके भी नंबर ला सकते हैं। तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, पत्र लेखन 8 नंबर, अनुच्छेद 7 नंबर, अनुवाद 6 नंबर, और गद्यांश 10 से 12 नंबर आता है, ठीक है, 10 से 12 या फिर 13 भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, आपको पढ़ना क्या है, इधर स्क्रीनशॉट भी आप लोग मार सकते हैं, वर्ण पढ़ना है, वचन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, प्रत्यय उपसर्ग, उसके बाद अव्यय, अलंकार और कारक, ये सब पढ़ के जाइए, ठीक है। हमको जो है ज्यादा फेंकने जो है नहीं आता है, इसलिए जो है इसी के साथ जो हम क्लास को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है छोटा सा साइड हो जाए तो बढ़िया रहेगा, कि फूलों से फूलों की बात करते हो और कांटों को छोड़ देते हो, फूलों से फूलों की बात करते हो कांटों को छोड़ देते हो, और हम हर बार तुम्हें मुस्कुरा के देखते हैं तुम हर बार दिल तोड़ देते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपने क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगला टॉपिक जो है किस सब्जेक्ट पे आना चाहिए, यानी कि कैसा वीडियो आपको चाहिए वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।